कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है इस बार? आप मेरा विचार क्या मैं बताऊं? मेरा विचार भगवान के ऊपर है, लॉर्ड कृष्णा विल डू इट। कोई और विचार है जो यहाँ के मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उसको तो आप बनने नहीं देंगे। नहीं, आप दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखेंगे फिल्म स्टार ही बनेगा। आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं नहीं, हेमा मान कन्हैया जी ने भक्त चाहिए जी, राधे राधे। कल रात की सावन का फिल्म देंगे। आप सब बिकम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि वो एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूँ। थैंक यू मोदी जी के आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पर सारी जिम्मेदारियाँ डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी पीएम बन सकते हैं तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती हूँ। डेफिनेटली मैं बनूंगी, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे किसके अपोजिट, ये सरप्राइज। मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है इस बार? मेरा विचार क्या मैं बताऊं? मेरा विचार भगवान के ऊपर है, लॉर्ड कृष्णा विल डू इट। कोई और विचार है जो यहाँ के मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उसको तो आप बनने नहीं देंगे। नहीं, आप दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखेंगे फिल्म स्टार ही बनेगा। आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं नहीं, हेमा मान कन्हैया जी ने भक्त चाहिए जी, राधे राधे। कल रात की सावन का फिल्म देंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की कि वो एक समाज की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर देना चाहते हैं। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा करती आ रही हूँ। थैंक यू मोदी जी के आपने मुझे उस लायक समझा कि आप मेरे कंधे पर सारी जिम्मेदारियाँ डालना चाहते हैं और इस बार चुनाव में मुझे खड़ा कर रहे हैं। हेमा जी ने ये अनाउंस कर दिया है तो मैं तो देश की सेवा के लिए ही पैदा हुई हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और क्यों नहीं, हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री जी पीएम बन सकते हैं तो मैं बॉलीवुड में काम करते करते सीएम क्यों नहीं बन सकती हूँ। डेफिनेटली मैं बनूंगी, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो 2024 में अब आप मुझे चुनाव लड़ते हुए देखेंगे किसके अपोजिट, ये सरप्राइज है।